हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विनय कुकिंग एंड क्राफ्ट। तो फ्रेंड्स, अपने चैनल विनय कुकिंग एंड क्राफ्ट में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और ये देखिए, आज मैंने बनाया है सूजी के पुए। ये पुए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अंदर भी देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से ये पक चुके हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी टेस्टी, मीठे मीठे, रसीले रसीले लगते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो पे पूरा बने रहिएगा, पूरे लास्ट तक देखिएगा कि किस तरीके से हम आज ये सूजी के पुए तैयार कर रहे हैं। इसमें हमने किशमिश भी ऐड किया है जो बहुत ही अच्छा स्वाद देगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। सूजी के पोहे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप सूजी, 1 कप दूध, 1/2 कप चीनी और थोड़े से हमने लिए हैं किशमिश। आप अपने मनपसंद और भी ज़्यादा जो भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी किशमिश ले ली है, लगभग 2 चम्मच, और 2 टेबल स्पून हमने लिया है मैदा। इसके अलावा कुकिंग ऑयल, तो हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ले लिया है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, इसके अंदर डाल देंगे अपने रवा यानी सूजी को। अगर सूजी बहुत ज़्यादा मोटे दाने की है तो आप उसे हल्का सा ग्राइंड कर लीजिए। तो ये लीजिए, ये मैंने पतले दाने वाली सूजी ली है। अब मैं इसमें 1/2 कप चीनी, साथ ही साथ किशमिश और ये जो मैदा है इसे भी ऐड कर दिए हैं 2 चम्मच। और अब हम इसे इस तरीके से मिला लेंगे और इसमें हम डालेंगे दूध और इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप दूध डाल दिया है, इसे अच्छे से चला लेंगे और अब हम इसे ढक के रख देंगे लगभग 2 घंटे के लिए। 2 घंटे में हमारी जो सूजी है वो थोड़ी फूल जाएगी, जो चीनी हमने ऐड किया है वो मेल्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसे चेक करेंगे कि ये छानने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है या गीला है या फिर ड्राई है, उस हिसाब से हम इसमें दूध और ऐड करेंगे। तो इसे चलिए अब हम ढक देते हैं 2 घंटे के लिए। तो ये देखिए, 2 घंटे हो गए हैं और हमारी सूजी अच्छे तरीके से फूल चुकी है। तो अब आप इसमें फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। और फिर इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा जो बैटर है बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसे अच्छे तरीके से मिला लीजिए। और कढ़ाई मैंने रख दिया है, इसमें मैं डाल दे रही हूँ ऑयल। तो इलायची को मैंने अच्छे तरीके से मिला लिया है अपने सूजी वाले बैटर में। बैटर इस तरीके का होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला। तो ऑयल हम गर्म हो जाने देंगे अच्छे तरीके से, फिर उसमें अपने पुओं को तलना शुरू करेंगे। तो अब हमारा ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो गया है, तो इसमें हम इस तरीके से बैटर को डालेंगे और फ्लेम को हम लो मीडियम ही करके रखेंगे। और ये देखिए, पुआ जो है हमारा फूल रहा है। तो अब हम इसे इस तरीके से पलट देंगे। जब आपके पुए इस तरीके से पक जाएं, तब आपको इन्हें बाहर निकालना है। बस इसी तरीके से सारे पुओं को हमें तलना है। तो ये लीजिए, हमारे सूजी के पुए तैयार हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी टेस्टी ये पुए। फटाफट से बातों ही बातों में हमने तैयार कर लिया है। तो आप भी इसके मज़े लीजिए त्योहारों में, और अभी तो नया साल आने वाला है तो आप नए साल में भी इसे ट्राई कर सकते हैं। बच्चों को भी ये पसंद आएगा क्योंकि ये मीठा है, बच्चों को मीठा बहुत ही पसंद होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी ये रेसिपी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। तो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल पे बने रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर हम आपके लिए लेके आएंगे एक नया वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।